हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम लोग एकदम बढ़िया हैं। और देखिए, खूब घूम रहे हैं हम लोग। तो आज आई हैं हमारी बुआ जी, और बुआ जी के साथ हम लोग जा रहे हैं चौकिया जौनपुर। जौनपुर में ये देखिए, सई नदी पड़ती है हमारे यहाँ से। हमारे गांव से जब जौनपुर जाते हैं तो ये पुल कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए। और ये रेलवे का फाटक जो आता है वो है, तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। तो किस किस को कैसा लग रहा है बताइए, ये गांव के जो छोटे छोटे फाटक बने होते हैं रेलवे क्रॉसिंग, तो इसको क्रॉस करते हुए हम लोग अभी जाएंगे। और अंश और ध्यान बड़े खुश हो रहे हैं ट्रेन देख के। खूब बड़ी सी ट्रेन थी, काफ़ी देर में गई थी। और बस हम लोग चलते हैं चौकियाँ। चौकियाँ दर्शन करना समझ लीजिए हम लोगों के लिए कुल देवी है हमारी। और जौनपुर जब आए हैं, घर पे आए हैं, तो चौकिया दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। तो बस वहीं चलते हैं, बुआ जी लोग भी आई हैं, तो हम लोगों का एक मिनी पिकनिक जैसा भी हो जाएगा। और फैमिली सब मिलके साथ जाती है तो कहीं भी जाए मज़ा ही आता है। और ये देखिए ट्रैफिक जौनपुर की, और मास्क देखिए कितने लोग लगाए हुए हैं, आपको दिखाई देगा। और मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हॉस्पिटल है कृष्णा हार्ट केयर हॉस्पिटल। इसी में अंश पैदा हुए थे 11 साल पहले। ये देखिए, तो ये हॉस्पिटल ऐसा ही था तब भी, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छे से बन गया है। थोड़ा ऐसे गड्ढे में जाके है ये। जौनपुर से जो लोग होंगे तो उनको पता होगा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं और हाथ पैर धोते हैं। बहुत लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं, पूड़ी हलवा यहीं पे बना के माता जी को। तो हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ यहीं पे होता है। जहाँ पार्किंग लगाते हो वहीं से प्रसाद लेते हो, और चप्पल भी वहीं पे निकालते हो। तो जो लोग इधर यूपी से होंगे तो मंदिरों का यही कल्चर होता है, विंध्याचल हो चाहे अष्टभुजी हो, और ये मंदिर जो चौकियाँ हैं मैहर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मंदिर जाते हुए। और मैंने और देवरानी जी ने आज प्लान किया है मैचिंग साड़ी पहनने का। तो ये मेरी पियरी है जिस पे शादी होती है, तो मैंने वो साड़ी पहनी है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों ने आज पीला पीला पहना हुआ है तो मास्क अभी तो हम लोगों ने लगा लिया है, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। और आपको सारा चौकिया का आसपास का जो नज़ारा है वो भी दिखाते हैं, और आप इंजॉय करिए। ये देखिए बहुत सारी शॉप्स आ गई हैं, पूजा का सामान सारा मिलता है, चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो देखते रहिए आप। तो बस मेरे बच्चे भी बड़े खुश होते हैं मंदिर जाने के लिए। इन लोगों को पूजा पाठ काफ़ी पसंद है। और मंदिर जाना हो तो दुबई में भी हम लोग पहले हर फ्राइडे जाते थे, लेकिन अभी तो 1.5 साल से सब बंद है। तो ये देखिए बस मंदिर का द्वार आ चुका है। ये द्वार है मेन वाला, जय शीतला महारानी लिखा हुआ है। और ये देखिए मैंने प्रसाद लिया हुआ है, और चौकिया जौनपुर, तो ये है मेन गेट। और कितना भव्य लगता है, कितना अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे पहुंच जाना, स्पेशली इस सिचुएशन में। अगर कहीं मंदिर में आप पहुंच गए हो, आपको सौभाग्य मिला है, तो बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ी शांति मिलती है। तो पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर में, और बहुत ज़्यादा लोग मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन अभी सही है, तो चल रहा है सब कुछ राम भरोसे। और यहाँ पे देखिए मंदिर में दर्शन करने के बाद, यहाँ पे ये मेरी दोनों बुआ हैं, बहुत ही प्यारी मेरी दोनों बुआ हैं। और ये देखिए कुंड है यहाँ पे मंदिर से बाहर निकलते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा टाइम बिताया, देखा, बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे देवर जी और देवरानी जी हैं। मैं बोल रही थी फ़ोटो निकाल नहीं रही हूँ, वीडियो निकाल रही थी, लोग फोटो की तरह खड़े हो गए। ये पोखरा आज बुआ कौन सा? देखिए बहुत गहरा है। ये देखो गणेश जी की मूर्ति कैसी अच्छी रखी हुई है। और यहाँ सब विश मांग के बांधते हैं चुंदरी क्या? वहाँ से वो घाट की एंट्री है ना, बहुत सुंदर है। चल।
वापस, जितने आसपास बहुत सारे मंदिर थे वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए जितना पॉसिबल हो पाया। कहीं कहीं एकदम खाली था, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो बस दर्शन करके हर जगह और हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए जगह जगह जितना हो पाया हमने आपको भी दिखाया है चौकियाँ का मंदिर कैसा है। काफ़ी सारे प्लेसेस आपको वीडियो के थ्रू भी हम लोगों ने दिखा दिए हैं छोटे छोटे। ये देखो मंदिर बहुत सारे सारे देवी देवता थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने हर जगह जा जा के माथा टेका है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप जैसे बहुत दिनों बाद इन सब दिव्य मंदिरों में जब जाते हो, जैसे विंध्याचल है और ये लोग, ये सब मंदिर जो है ना, ये हम लोगों के लिए सबसे बेहद ज़रूरी इष्ट मंदिर हैं हमारे। ये देखिए आद्यांत को हर जगह घंटी बजाना भी पसंद है। तो ये देखिए बाहर का जो मार्केट है चौकियाँ का, ये जो कुंड है सरोवर उसके बाहर का, तो ये आपको कैसा लग रहा है, बचपन की याद आ रही है कि नहीं? जो लोग कहीं बाहर रहते हैं, कहीं सिटी में रहते हैं, ये देखिए कितनी भव्य गणपति जी की मूर्ति है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था यहाँ का नज़ारा और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक लग रहा था उस दिन। तो बस हम लोग हर जगह बचते बचाते निकल रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं उसको आप आगे देखिए। ये मैंने साइड में जो कपड़ा लिया हुआ है वो स्पेशली मैंने पसीना पोंछने के लिए लिया हुआ है, मैं ली रहती हूँ हमेशा यहाँ पे, मुझे ज़रूरत होती है, एकदम बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये। तो ये देखिए मैं बोल रही थी ना मैं कहाँ आ रही हूँ, ये देखिए चूड़ियों की खान है। तो जितने भी मंदिर होते हैं यहाँ पे सबको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि विंध्याचल और ये चौकिया मैहर जो मंदिर होते हैं बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे। चूड़ी बिंदी और प्रसाद के रूप में सिंदूर लोग लेते हैं और चौकिया का सिंदूर तो स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है, तो वो हम लोगों ने लिया और बहुत सारी मैंने चूड़ी ली क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो मुझे साल दो साल के लिए चूड़ियाँ लेनी पड़ती हैं एक साथ में, अपना स्टॉक जमा करती हूँ और फिर लेके चली जाती हूँ, तो वहाँ चूड़ियों का मुझे वो कमी नहीं होती है। तो कितनी प्यारी चूड़ियाँ, ये देखिए ये सब दुबई में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जैसे दो साल तीन साल बाद आओ और देखो तो मुझे ये शॉप सी देख के बड़ा मज़ा आ जाता है। तो बस मैं भर भर के चूड़ियाँ खरीद रही हूँ और पता नहीं आप लोग कितनी देर तक मुझे देखोगे। और यहाँ देखिए अद्यांत का टॉयज़ का भी सेक्शन है। कौन सा लोगे बताओ? तीन। कौन सा लेगा? कौन सा लेना? ये वाला अभी निकल गया। कैरम लो, कैरम हूँ नहीं तो डिक्कीगन ले लेते हैं। तो बस देखिए चूड़ी की शॉपिंग मेरी कंटिन्यू है, बहुत दो चार शॉप में गई थी, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है मैंने चूड़ियों की और दोनों बुआ लोग मेरे साथ लगी हुई थी, हाँ ये कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। और जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है यहाँ पे बारगेनिंग बहुत करनी पड़ती है, तो उसके लिए मेरी बुआ लोग मेरे साथ में थी और मुझे लेना था चकला बेलन जो होता है पत्थर वाला चकला, तो वो भी लेना था मुझे। और बुआ लोग मेरी जो थी वो बहुत ही अच्छा प्राइस मुझे दिलाई और बहुत ही प्राउड है इस बात पे मुझे कि वो मेरे साथ थी, नहीं तो मैं तो कोई तीन गुना भी बोल दे तो मैं दे दूँ, क्योंकि मुझे ना सच में प्राइजे याद नहीं रहते कि किसका कितना होना चाहिए। मतलब आप जहाँ लगातार रहते हो वहाँ का प्राइस आपको पता रहता है कि ये चीज़ आजकल कितने में मिल रही है। और इसके बाद खूब सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग चल रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे और लगी है सबको बहुत ज़्यादा भूख। तो ये देखिए सामने एक ऑटो जा रही है, देखो ये हमें कहाँ लेके जाती है, ये देखिए कहाँ आ गए हम लोग। ये ऑटो भी मेरे साथ ही आ रही थी, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि अगले में ही आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही धमाकेदार वीडियो मेरे बुआ जी लोगों के साथ।
तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।